हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे जो लाइज या झूठ पॉर्न ने हमारे यंग यूथफुल लोगों को बताया है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में सेक्स एजुकेशन होता नहीं है और उसकी वजह से लोगों को जो भी जानकारी है वो बेसिकली और मोस्टली या तो पॉर्न से मिलती है या फिर अपने फ्रेंड्स से डिस्कशन करके मिलती है, और दोनों ही सूरतों में ये एजुकेशन या ये जानकारी आधी अधूरी होती है। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या असलियत है और वर्सेस पॉर्न में क्या दिखाया जाता है। मैं डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव हूँ, मैं एमडी गायनेकोलॉजिस्ट ऑरेंज क्लिनिक से बात कर रही हूँ। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए डिस्कस करते हैं लाइज पॉर्न टोल्ड यू अबाउट सेक्स। सबसे पहला लाइ ये है कि एक मेल का इंटीमेट एरिया या प्राइवेट पार्ट या बेसिकली पीनिस का साइज कितना होना चाहिए। लोगों को लगता है पॉर्न देख के कि पीनिस का साइज काफी लंबा होना चाहिए, मिनिमम 6 इंचेस होना चाहिए, तभी हम फीमेल्स को प्लेजर दे सकते हैं। बट ये जरा सा भी सच नहीं है। एक एवरेज पीनिस का साइज 5.1 इंच से लेके 5.5 इंच तक हो सकता है इरेक्ट स्टेट में। इसका मतलब हमारे मन में जो धारणा है कि 6 इंचेस होना चाहिए वो एब्सोल्युटली गलत है। दूसरी बात ये, लोगों को लगता है कि हमारा 6 इंच होगा तो सेक्स शायद ज़्यादा प्लेजरेबल हो, पर ऐसा भी सच नहीं है। आपका साइज मैटर नहीं करता है। जो फीमेल्स का बाहरी हिस्सा है, जो वेजाइना पार्ट है या योनि है, उसका आउटर 1/3 सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है सेक्स के टाइम पे। तो वो आप आसानी से अपने नॉर्मल पीनिस साइज से स्टिमुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, फीमेल्स को प्लेजर बेसिकली क्लाइटोरिस से मिलता है और जो कि योनि भाग से बाहर ऊपर की ओर सिचुएटेड होता है। वो एक मटर के दाने के जैसा ऊपर की ओर है, तो वो वजाइनल पेनिट्रेशन से वैसे भी स्टिमुलेट नहीं होता है, वो आपको फिंगर से या ओरल सेक्स से ही स्टिमुलेट करना पड़ता है। तो दूसरी बात, हमने ये प्रूव करी कि आपका साइज अगर कम भी है तो वो सेक्सुअल प्लेजर में फर्क नहीं लाता है। एक सर्वे के हिसाब से ये पाया गया कि मेल्स सब मेल्स को अपना साइज थोड़ा वो ओवर एस्टिमेट करते हैं। सबको लगता है कि हमारा साइज ज्यादा की ओर है ऊपर से देखने पे, बट एक्चुअली जो मैंने आपको ये एवरेज बताया है 5.1 से लेके 5.5 इंचेस तक का, वो बेसिकली लोअर रेंज में ही लाई करता है। अब डिस्कस करते हैं दूसरा झूठ जो कि हमें पॉर्न ने सिखाया है, आपका टाइम, सेक्स का टाइम। पॉर्न देखें तो 35-40 मिनट्स 1 घंटे तक सेक्स चल सकता है, जो कि अगेन असलियत में सच नहीं है। और बहुत सारे पेशेंट्स इस प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि मेरा टाइम तो सिर्फ 5 मिनट है। 5 मिनट नॉर्मल टाइम है, 3 मिनट से लेके 7 मिनट तक का टाइम हम नॉर्मल एवरेज मानते हैं। इससे ज़्यादा टाइम अगर कोई करता है तो बहुत अच्छा, बट वो एक एवरेज की रेंज में नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें पॉर्न में एडिटेड होती हैं और कई मल्टीपल रीटेक्स के बाद होती हैं, तो उसमें जो दिखाया जा रहा है हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। तीसरा सच कि फीमेल्स को बहुत ही अर्थ शैटरिंग ऑर्गेज्म आता है, ऐसा भी नहीं है। फीमेल्स को वजाइनल सेक्स करते, जैसे मैंने आपको बोला, ऑर्गेज्म आने का चांस सिर्फ 5% ही होता है। 90 से 95% फीमेल्स क्लाइटोरिस से ऑर्गेज्म पाते हैं, जो कि आप ओरल सेक्स से ही दे सकते हैं। तो जो उसमें दिखाया जाता है कि फीमेल्स को बहुत तगड़ा ऑर्गेज्म आता है पेनिट्रेशन से, वो भी गलत है और वो सच नहीं है। चौथा चीज़ जो उसमें शो करते हैं कि इंटीमेट पार्ट या प्राइवेट पार्ट बहुत ही स्मूथ, सेम टेक्सचर जैसे बाकी स्किन का टेक्सचर हो वैसा ही होता है, या एकदम हेयरलेस होता है। हेयरलेस तो हमें मालूम है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग अपना वैक्स या लेज़र कराते हैं, बट इवन स्किन का टेक्सचर या वहाँ पे इवन स्किन का पिगमेंटेशन थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होता है। जैसा आपको पॉन्ड में दिखाया जाता है कि एकदम स्मूथ स्किन, वैसा ही स्किन जैसे फेस का है एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता है। वहाँ का स्किन अंडर हॉर्मोन्स थोड़ा सा डार्क होता ही होता है,
बहुत सारे पेशेंट्स ये आते हैं कि मेरा ये एरिया बहुत डार्क है, इसको भी लाइट करना है, बट एक्चुअली वो नॉर्मल है, वहाँ का एरिया डार्कर होना इज अ नॉर्मल थिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पॉर्न से सीख के हमें लगता है कि वही सही है, बट एक्चुअली में ये सारी चीज़ें सच नहीं है। और सेक्स एजुकेशन के अभाव की वजह से बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन यंग मेल्स और फीमेल्स को जाती है, और वो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी, या उनको लगता है कि उनकी बॉडी में कुछ कमी है, या फिर वो ऊट पटांग हर्बल सब्स्टिट्यूट्स लेते हैं या कुछ और दवाइयाँ खाने लगते हैं, उन सब का ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल रेंज में लाइक करते हैं। अगेन एक सर्वे के हिसाब से 95 से 98% मेल्स अपनी लेंथ के हिसाब से नॉर्मल रेंज में ही होते हैं। बहुत ही कम मेल्स होते हैं जिनका साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होता है या जिनको साइज इनलार्जमेंट करने का ज़रूरत होता है। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। थैंक यू।